पर कई पर दे दे ईशान भाई लंच को देना जय महाभारत
साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत खुशी की बात है कि इलाके में विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। आपदा के बाद प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास करवाने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उसी कड़ी में हम क्षेत्र के इस इलाके का हम समय समय पर दौरा भी करते रहते हैं। आज एक बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो है रोड़ू में ग्वास मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर बहुत बड़ा जो है शांत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और भी इलाके में जो धार्मिक कार्य है, यहाँ के विकासात्मक कार्य हैं, उसमें अपनी जो है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना और क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति देना, ये हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, दायित्व है, जिसे हम जिसका निर्वहन करने का हर संभव प्रयास जो है हम करते रहते हैं। सर, जो भी लोग सर आपको हमारे माध्यम से यहाँ देख रहे हैं, सर आप क्या उन्हें सर संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि शुभकामनाएं सबको और आने वाला साल सबके लिए अच्छा रहे। हम आपके साथ खड़े हैं, सरकार आपके साथ खड़े हैं और आशा करता हूँ कि आगामी अब बर्फबारी भी होनी चाहिए, काफ़ी समय से सूखा पड़ा है, तो थोड़ा जो हमारे खास करके बागवान किसान हैं कोई निराश ना हो, इसलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि अच्छी इस बार यहाँ पे बर्फ़ पड़े ताकि जो आगामी सेफ सीज़न होगा उसमें आर्थिकी रूप से भी उनका जो है वो विकास हो सके। धन्यवाद।